पायल से पंगा लेने के सिवा किसी के पास नहीं है कोई मुद्दा, फैंस ने पायल को बताया शेरनी। रियलिटी शो लॉकअप में पायल को कई बार कम वोटिंग मिली है और जजमेंट डे के मौके पर ये देखने को भी मिला है। पायल को ऑडियंस कम पसंद करती हैं, इस बात का सबूत भी सोशल मीडिया पर पड़ा हुआ है। लेकिन धीरे धीरे पायल फैंस का दिल जीतने में कामयाब हुई हैं, ये कहना गलत नहीं होगा। मेकर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो साझा किया है जिसमें अंजलि पायल पर करणवीर बोहरा के साथ अफेयर बनाने की बात करने का आरोप लगाते हुए नजर आई है, जिसके बाद पायल का रिएक्शन देखने को मिला और पायल ने ये बताया कि ये खबर पूरी तरह से झूठी है और उन्होंने ऐसी कोशिश कभी भी नहीं की। जिसके बाद पायल के खिलाफ घर के बाकी सदस्य नजर आए। इस वीडियो क्लिप पर फैंस की ढेर सारी प्रतिक्रियाएं आई हैं, जहां लोग अंजलि को झूठा तो पायल को सही बता रहे हैं। इतना ही नहीं, एक यूजर ने ये तक लिख दिया है कि पायल से पंगा लेने के सिवा किसी के पास कोई मुद्दा नहीं है, अगर पायल से पंगा नहीं लिया तो एपिसोड में इनका कंटेंट कुछ नहीं दिखेगा, इकट्ठे बैठकर भी पायल की ही बातें करते रहते हैं। आपको बता दें कि इस हफ्ते की जब शुरुआत हुई थी तब मुनव्वर ने पायल से झगड़ा किया था, जिसके बाद शाइशा ने पायल को निशाने पर लिया था। शाइशा ने एक दो बार नहीं बल्कि कई बार पायल से झगड़ा किया और वो झगड़ा बिना मुद्दे का हो रहा था। एक बार मुनव्वर ने शाइशा को ये भी बताया कि आखिर तुम किस मुद्दे पर झगड़ा कर रही हो, तब शाइशा की पोल खुलती हुई नजर आई थी। प्रिंस ने भी पायल के साथ फाइट की तो शिवम और पायल के बीच भी फाइट हुई। दूसरों की फाइट में कई बार अंजलि ने पायल पर निशाना साधा, तो कुल मिलाकर यह कहना गलत नहीं होगा कि इस पूरे हफ्ते में जेल में मौजूद सभी कैदियों ने बारी बारी से पायल को निशाना बनाकर पायल के साथ झगड़ा किया है और हो सकता है सभी कैदियों को जजमेंट डे के दिन इस बात का एहसास भी शो की होस्ट करा सकती हैं। जिस तरह से पायल को टारगेट किया जा रहा है, ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि इस समय पायल लॉकअप में शेरनी की तरह नजर आ रही है और फैंस ने अपने कमेंट्स में इस बात का इशारा भी किया है। टीवी और एंटरटेनमेंट से जुड़ी इसी तरह की खबरें लगातार पाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स के जरिए हम तक ज़रूर पहुँचाएँ।